बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा हमारी इन दिनों जारी है कुंडली मिलान घर बैठे आप कैसे करें इस विषय पर, और आप लोगों ने अपना इतना कीमती समय दिया, इतना स्नेह दिया इस श्रृंखला को, इसके लिए आप सभी वाकई में साधुवाद के पात्र हैं। साथियों, कई बार जबकि कुंडली मिलान के लिए माता पिता या स्वयं वर या वधु में से कोई एक हमारे पास आता है और दोनों कुंडलियां हमारे समक्ष रख करके वो पूछता है कि आचार्य जी बतलाइए कि ये दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, क्या ये कुंडलियां आपस में मेल खाती हैं या नहीं। वैसे हमने इनको हाँ कह दी है, तो मैं उनसे यही पूछता हूँ कि आपने बिना कुंडली मिलाए, अब अपॉइंटमेंट तो आप अभी ले रहे हैं और हाँ आपने पहले कर दी, तो उनका जवाब रहता है कि आचार्य जी हमने कंप्यूटर में दोनों की डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डाला और इसमें 32 गुण मिल रहे थे और हमने सुना है कि 18 से अधिक गुण यदि मिल जाते हैं तो उसमें विवाह संपन्न किया जा सकता है, और इसी आधार पर हमने उन्हें हाँ कह दी है। हम केवल अभी तसल्ली के लिए आपके पास में आए हैं। साथियों, यदि आप भी इसी गलतफहमी में जी रहे हैं तो आपको अपने लग्न से संबंधित एपिसोड जरूर देखना चाहिए। गुण मिलान कुंडली मिलान का एक अंश भर है, एक केवल हिस्सा है, पूर्ण रूप से कुंडली मिलान नहीं है। यदि आप अपने संबंधित लग्न को जानना चाहते हैं कुंडली मिलान के परिप्रेक्ष्य में, तो यहां आई बटन में हमने उसका भी लिंक दिया है, आप जाकर के उसको विस्तार से देख सकते हैं। और कुंडली मिलान एक इतना महत्वपूर्ण बिंदु है कि आपके दाम्पत्य जीवन, आपके शादी के बाद का जो जीवन है उसमें आप तरक्की पर तरक्की करते चले जाएंगे या बर्बाद आप होते चले जाएंगे, ये इसी बात पर निर्भर करता है। दो बातें सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, एक तो होने वाले भावी जीवन साथी के साथ में आपका तालमेल कैसा रहेगा, संतुलन कैसा रहेगा, और सही समय पर आपको संतान की प्राप्ति होगी या नहीं, इस एपिसोड में हम विस्तार से जानेंगे, खास तौर पर कन्या लग्न की जन्म पत्रिका को लेकर के। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखें उससे ठीक पहले हैशटैग आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें, और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में होना बहुत जरूरी है। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए कन्या लग्न की जन्म पत्रिका कैसे जीवन साथी के चयन में क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए जानते हैं। साथियों, यहां पर आप स्क्रीन पर दो जन्म पत्रिकाएं देख पा रहे हैं। ऊपर जो जन्म पत्रिका है वो 6 नंबर से प्रारंभ हो रही है और यही कारण है कि उसको ज्योतिष की भाषा में कहेंगे कि ये कन्या लग्न की जन्म पत्रिका है, आपकी जन्म पत्रिका है। नीचे जो जन्म पत्रिका है वो खाली है, किसी भी लग्न किसी भी राशि की वो जन्म पत्रिका हो सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं सप्तम भाव की, आपसी तालमेल की, क्या वो दोनों एक दूसरे से सच्चा प्रेम, एक दूसरे की सच्ची केयर, एक दूसरे का सच्चा सम्मान करेंगे उम्र भर या नहीं करेंगे, कैसे तालमेल बैठाएंगे। साथियों, कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में सप्तमेश होते हैं गुरुदेव, देव गुरु, बृहस्पति। यदि कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में गुरुदेव 6ठे, 8वें या 12वें इन त्रिक भावों में से कहीं एक स्थान पर विराजमान हो जाते हैं तो ये बात सुनिश्चित हो जाती है कि इस व्यक्ति का जो दाम्पत्य जीवन है वो खराब होने की बहुत प्रबल संभावना है, पर इसको रोका जा सकता है। कैसे? आप भावी जीवन साथी के सप्तमेश को देखिए या उनके गुरु को देखिए, यदि वो केंद्र या त्रिकोण में अवस्थित है तो यहां पर बैलेंस क्रिएट हो जाएगा और इस प्रकार की कोई भी नकारात्मक बात आगे चल करके नहीं होगी। दूसरा बिंदु, आप अपनी कुंडली में ये देखिए कि क्या गुरु नीच राशि के तो नहीं हो गए हैं। जहां 10 नंबर का अंक आपको नजर आ रहा है वहां पर तो नहीं विराजमान हो गए हैं,
और अगर ऐसा है तो चूंकि इस जन्म पत्रिका में गुरु ही दाम्पत्य को सुखद बनाने वाले हैं, कारक हैं, वो नीच के हो गए तो उसको वो डिस्टर्ब जरूर करेंगे। ऐसी स्थिति में आपको ये ध्यान रखना है कि भावी जीवन साथी की जन्म पत्रिका में सप्तमेश या गुरुदेव उच्च राशि के हों, उच्च के ना हों तो कम से कम नीच के तो ना ही हों। साथियों, अगला आपको देखना है कि गुरुदेव शक्तिशाली कितने हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरुदेव 0 डिग्री के हो जाएं, 28 या 29 डिग्री के हो जाएं, तब फिर ये दाम्पत्य को खटास में जरूर पहुंचाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको देखना है कि सामने वाले जो भावी जीवन साथी हैं उनके गुरुदेव या उनके सप्तमेश जो भी बनते हैं वो कम से कम 6 से लेकर के 24 डिग्री के बीच के हों, शक्तिशाली हों। साथियों, अगला बिंदु जो कि ध्यान रखने के काबिल यहां पर जरूर नजर आ रहा है वो है कि आप ये देखिए कि सप्तमेश गुरु क्या यहां पर अस्त अवस्था में आ गए हैं। सूर्य के साथ में यदि वो विराजमान है तो उसको कहा जाता है कि वो अस्त हो गए हैं। अस्त होने का अर्थ यह है कि वो दाम्पत्य का कोई भी सुख आपको नहीं लेने देंगे और तनाव की स्थिति जीवन साथी के साथ में सदा बरकरार रहेगी। ऐसी स्थिति में आपको देखना है कि भावी जीवन साथी की जन्म पत्रिका में गुरुदेव या सप्तमेश अस्त ना हो। अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, सप्तम भाव पर आप दृष्टिपात करिए। यदि सप्तम भाव में आपके राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य इस प्रकार के पाप ग्रह हैं तब भी ये सुनिश्चित है कि ससुराल पक्ष और जीवन साथी का जो पक्ष है वो आपका मजबूत नहीं है। दुखद आपको खबर शादी के बाद में जरूर मिलती है। ऐसी स्थिति में आप देखिए कि भावी जीवन साथी का जो सप्तम भाव है वहां पर कोई पाप ग्रह ना हो बल्कि शुभ ग्रह हो, गुरु, शुक्र और प्रबल चंद्रमा जैसे। ये तो हमने बात की तालमेल के संतुलन की। अब हम बात करते हैं पंचम भाव की, अर्थात संतान पक्ष की। यदि सही समय पर संतान न हो तो पति पत्नी में तो मनमुटाव होता ही है, उन दोनों परिवारों में भी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कन्या लग्न की यदि हम बात करें तो यहां पर पंचमेश होते हैं शनिदेव। सबसे पहले आप पंचम भाव पर अपने दृष्टिपात कर लीजिए। यदि पंचम भाव में आपके राहु और केतु इस प्रकार का कोई पाप ग्रह है तब फिर ये संतान में आपको दिक्कत परेशानी अवश्य ही देगा। ऐसी स्थिति में सामने वाले का पक्ष मजबूत होना चाहिए। उनके पंचम भाव में आप देखिए कि किसी प्रकार का पाप ग्रह तो नहीं है बल्कि वहां पर शुभ ग्रह यदि गुरु और शुक्र जैसे हैं तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। ऐसे व्यक्ति के चयन में आपको प्राथमिकता जरूर देनी चाहिए। साथियों, आपको दूसरा बिंदु ध्यान देना है कि आपकी जन्म पत्रिका में पंचमेश शनि यदि 6, 8, 12 इन त्रिक भावों में से कहीं पर है तो कन्याओं में गर्भपात की स्थिति, संतान में बहुत ज्यादा देरी की स्थिति या बच्चा पैदा हो करके बहुत शीघ्र समाप्त होने की स्थिति यहां पर कई बार उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में आपको देखना है कि भावी जो जीवन साथी है उसके पंचमेश या फिर उनके जो शनि है वो केंद्र या त्रिकोण में अवस्थित हो। साथियों, अगला जो ध्यान देने वाला बिंदु है वो है शनि की डिग्री कितनी है, पंचमेश शक्तिशाली कितना है। हो सकता है उसका प्लेसमेंट अच्छा हो, सारी चीजें अच्छी हो, परंतु शनि यदि 0 डिग्री का, 28 या 29 डिग्री का है तो वो यहां पर प्रभावहीन हो जाता है। संतान सुख का लाभ आपको वो लेने नहीं देगा। ऐसी स्थिति में यदि संतुलन आपको कायम करना है तो आपको जरूर देखना चाहिए कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसकी जन्म पत्रिका में पंचमेश या फिर शनिदेव कम से कम 6 डिग्री से लेकर के 24 डिग्री के बीच के हों। साथियों, अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, क्या आपकी जन्म पत्रिका में शनि कहीं अस्त अवस्था में तो नहीं है, सूर्य के साथ में युति करके तो विराजमान नहीं है। यदि ऐसी स्थिति है तब फिर ये संतान सुख से वंचित होने के लिए ही प्रबल योग आपका निर्मित कर रही है। ऐसी स्थिति में आपको किसका चयन करना चाहिए कि जिसका शनि या पंचमेश अस्त ना हो। साथियों, ये सारी बातें हम बार 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 दोहराते हुए आपको क्यों कहते हैं, और यदि आप कुंडली मिलान के महत्व को अभी भी नहीं समझ रहे हैं
तो आप अपने शहर के फैमिली कोर्ट में चले जाइए, वहाँ पर लाखों लोग तलाक की अर्जी और पता नहीं क्या क्या उनके घर में समस्याएं हैं उनका निजात पाने के लिए अदालत के सामने खड़े हैं। समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों के अनुभव से सीख ग्रहण करे, दूसरों की गलतियों से अपनी गलतियाँ पहले ही सुधार ले, वो गलतियाँ करे ही नहीं। इसलिए किसी विद्वान की सहायता लेकर के आपको पूर्ण वैदिक रूप से कुंडली मिलान करके ही विवाह संपन्न करना चाहिए। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है अशोक शर्मा जी का, जो कि उन्होंने लिखा है मेरठ उत्तर प्रदेश से। अशोक जी, आपने पूछा है कि आपकी जन्म पत्रिका में सरकारी नौकरी का योग कब है। अशोक जी, सिंह लग्न की आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य बहुत ही फेवरेबल है, राजयोग का आपके निर्माण हो रहा है, बहुत ही जल्द हो सकता है कुछ महीनों के भीतर ही आपको सरकारी नौकरी का वरदान प्राप्त हो। आपको हल्दी मिश्रित जल से सूर्य को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की कन्या लग्न की, चर्चा की घर बैठे कैसे आप कुंडली मिलान कर सकते हैं इसकी। कन्या लग्न में सप्तमेश कौन सा ग्रह होता है। साथियों, आप सभी स्वस्थ समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।